हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों का सीज़न आ गया है और ये गर्मियों के दिनों में सबको ही कुछ ना कुछ ठंडा पीने का मन करता है, तो हम लेकर आए हैं गर्मियों में ठंडक देने वाली लस्सी की रेसिपी। आज हम बनाएंगे रोज़ फ्लेवर लस्सी, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। रोज़ फ्लेवर लस्सी बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे रोज़ सिरप। बाज़ार में अलग अलग कंपनी की रेडीमेड रोज़ सिरप मिल जाती हैं, और लेंगे पिसी हुई चीनी। चीनी को हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और उसका पाउडर बना लिया है। और लेंगे लंबे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, आपको जो भी पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। अब एक बाउल में हम घर पे बना हुआ फ्रेश और ठंडा दही लेंगे। लस्सी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें क्रीमी टेक्सचर वाला दही चाहिए, तो ये दही को हम विस्कर से अच्छे से फेंट लेंगे। जब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे तो जो दही का टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकेगी। यहाँ दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। लस्सी के लिए हमें मीठा दही चाहिए, इसलिए इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी और इसे दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को दही में अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर क्रीमी टेक्सचर वाला मीठा दही रेडी है। देखिए, इसका टेक्सचर पूरा चेंज हो गया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर हो गया है। तो लस्सी के लिए हमें इस तरह का दही का क्रीमी टेक्सचर चाहिए और मीठा दही चाहिए। यहाँ पर क्रीमी टेक्सचर वाला मीठा दही रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक कांच का ग्लास लेंगे और ग्लास के अंदर हम चम्मच से रोज सिरप को इस तरह से लगा देंगे। पूरा ग्लास में रोज सिरप अच्छे से लग गई है, आप देख सकते हो। अब इसके अंदर हमने जो मीठा दही रेडी किया है वो डालेंगे। आप चाहो तो ग्लास में 2 से 3 पीस आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। ग्लास में ऊपर तक मीठा दही भर देना है। अब इसके ऊपर भी हम रोज़ सिरप डालेंगे थोड़ी सी, और लंबे कटे हुए हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं वो डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ठंडी ठंडी रोज़ फ्लेवर लस्सी रेडी है सर्व करने के लिए। होटल जैसे स्वाद वाली रोज़ फ्लेवर लस्सी रेडी है, तो इसे अब हम सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। इस रेसिपी से आप भी रोज़ फ्लेवर लस्सी बनाए, घर में सबको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आने से लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर की वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सकेगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।